दोस्तों कल की वीडियो में आपने देखा होगा यहाँ पर एक बांध बनाया था ये सीधा, और इस बांध को अब जेसीपी ने यहाँ से तोड़ दिया है ताकि इस गंगा में आगे की ओर जल जा सके। और कल मैंने आपको दिखाया था इस स्थान पर बिल्कुल भी जल नहीं था, यहाँ पर जेसीपी खड़ी थी और ये जो पुल बने हैं, ये पुल जो बने हुए थे इनको तोड़ने का काम यहाँ पर जारी था, और अभी ये पुल को पूरी तरह से यहाँ पर हटा दिया गया है। और गंगा में इसलिए जो जल की मात्रा है थोड़ी खोल दी है ताकि आए हुए श्रद्धालुओं को कोई भी यहाँ पर परेशानी ना हो और माँ गंगा के जल में वो स्नान कर सकें, बाहर से आए श्रद्धालु कर्मकांड करा सकें। तो आप देखते हैं, मैं आपको दिखा दूँ जल कहाँ से आ रहा है। तो आप देखते हैं अभी भी जेसीबी का जो कार्य है वो जारी है, और यह है माँ गंगा की तस्वीर, वह है भगवान शिव की विशाल मूर्ति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज नंबर वन। दोस्तों आज एक बार फिर से हर की पौड़ी के ताज़ा दृश्य दिखाने के लिए मैं आ चुका हूँ हर की पौड़ी पर। तो देख सकते हैं इस समय मैं गंगा के बीच में खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों ये सामने है धनुष पुल, और यहाँ पर देख सकते हैं आप 1, 2, 3 ब्रिज बने हुए थे जिनको जेसीबी द्वारा हटा दिया गया है, और अब आप हर की पौड़ी के बिल्कुल ताज़ा और सुंदर दृश्य देख सकते हैं। दोस्तों इस समय श्रद्धालु गंगा के बीच में जाकर स्नान कर रहे हैं क्योंकि जल की कमी है, और जिस स्थान पर इस समय श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए सोचना भी नामुमकिन है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कर्मकांड गंगा घाट पर हुआ करते थे अब गंगा के बीच में हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों हर की पौड़ी गंगा नदी के बीच में अंग्रेजों के समय में ट्रेन चला करती थी, और उसकी पटरियां आज भी वहां पर मौजूद हैं, और आप वीडियो के माध्यम से घर बैठे ये नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अभी जो गंगा में जल की मात्रा है थोड़ी थोड़ी खोल दी गई है, ये देख सकते हैं सामने हर की पौड़ी का सुंदर दृश्य। दोस्तों यह है धनुष पुल और इसी से हम चलेंगे अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर की पौड़ी नाई घाट का बिल्कुल ताज़ा दृश्य देख सकते हैं दोस्तों, और श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि जल की जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा कम है। दोस्तों यहाँ पर गंगा के बीच में जो पुल बने थे उनके हटने से यहाँ पर हर की पौड़ी दूर तक दिखाई दे रही है, और अब आप हर की पौड़ी के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यह है संजय पुल, और संजय पुल के नज़ारे आप देख सकते हैं, और ये सामने देख सकते हैं अस्थि प्रवाह घाट, और ये स्थान है मुख्य हर की पौड़ी का जहाँ पर माँ गंगा की आरती होती है, और यहाँ पर आप जल की मात्रा को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कम है, घुटने से भी कम आपको यहाँ पर जल दिखाई दे रहा होगा। इस समय गंगा में जल की जो मात्रा है इतनी ज़्यादा कम है कि श्रद्धालु इस पार से उस पार आसानी से पहुँच पा रहे हैं, और देख सकते हैं लगभग 1 फुट के करीब गंगा में जल की जो मात्रा है, और यहाँ पर स्नान करने में श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। दोस्तों ये सामने है भरमकुंड घाट, और उसके पास में स्थित है महिला घाट, उसके भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल कितना ज़्यादा कम है, श्रद्धालु गंगा के बीच में जाकर स्नान कर रहे हैं, और देख सकते हैं एक माता जी गंगा के बीच में बैठकर लोटे से स्नान कर रही हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी गंगा में जो सफाई का कार्य है जारी है, और यहाँ पर आप देखते हैं 2-2 जेसीपी लगी हुई है। दोस्तों ये हर की पौड़ी का मालवीय घाट है, और यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन घाट पर जल ना होने के कारण यहाँ पर इस समय बिल्कुल भी भीड़ नहीं है।